देहे टीवी के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे कोकिलाबारी सीड फार्म की, जो असम में है और सुर्खियों में है IUCN के चलते। IUCN ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक लेटर में निवेदन किया है कि असम स्थित कोकिलाबारी सीड फार्म, जो कि बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए स्वर्ग स्थल जैसा है, उसको संरक्षण दिया जाए। IUCN ने कहा है कि कोकिलाबारी सीड फार्म को असम सरकार द्वारा एक कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाना चाहिए। यह सीड फार्म मानस नेशनल पार्क के पास ही पड़ता है और यहां राज्य सरकार ने एक विश्वविद्यालय गठित करने के साथ साथ विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके चलते IUCN को लगता है, IUCN के मुताबिक बंगाल फ्लोरिकन पक्षी इससे खतरे में पड़ जाएंगे। मात्र 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले कोकिलाबारी सीड फार्म 25 बंगाल फ्लोरिकन और 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले मानस नेशनल पार्क में 33 बंगाल फ्लोरिकन हैं। कुल 58 बंगाल फ्लोरिकन के साथ मानस कोकिलाबारी पृथ्वी पर बंगाल फ्लोरिकन पक्षी के 3 सबसे बड़े हॉटस्पॉट के रूप में है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के डी एरिंग अभयारण्य में 100 और नेपाल के कोसी टप्पू में 100 ऐसे पक्षी हैं। हाल ही में कई बंगाल फ्लोरिकन पक्षी अरुणाचल प्रदेश के डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य में देखे गए हैं और यह इसलिए महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि IUCN ने अपने रेड डेटा लिस्ट में बंगाल फ्लोरिकन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी अति संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध कर रखा है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि इंडिया का लीडिंग एनवायरमेंटल NGO है, उसने बताया है कि इस अभयारण्य में करीब 100 बंगाल फ्लोरिकन हैं और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 स्पीसीज घोषित किया जा चुका है और यह अपने मेटिंग डांस के लिए प्रसिद्ध है, यानी अपने पार्टनर के साथ जो मेटिंग डांस होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। यह एक ग्रासलैंड स्पीसीज है जो भारत में मुख्यतया उत्तर प्रदेश के दुधवा, किशनपुर और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, असम के मानस, ओरंग और काजीरंगा रिजर्व में और अरुणाचल प्रदेश के डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य में और पश्चिम बंगाल के जलदपारा नेशनल पार्क में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये केवल भारत और नेपाल और दक्षिण पूर्वी एशिया में वियतनाम और कंबोडिया में ही पाए जाते हैं। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि बंगाल फ्लोरिकन का भौगोलिक वितरण, जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ यह पाया जाता है और कौन से देश इसके नेटिव प्लेस हैं, यानी मूल निवास स्थान इसका कौन से देश हैं और कौन सा IUCN के द्वारा इसे स्टेटस दिया गया है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।